तो अभिषेक बताओ, 10 दिन का सफर कैसा रहा, क्या बोलना चाहेंगे, कोई आपके जैसा सीखना चाह रहे हैं उनको क्या बोलना चाहेंगे? जरूर आए यहाँ पे, MMC और हार्डवेयर और स्कीमेटिक के बारे में फुल नॉलेज मिलेगा और बहुत अच्छा है। 10 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, आप सभी आ सकते हैं। और क्या ही बोलूँ, जितना हमारे पास तो जैसा कि बेसिक टू एडवांस अभी 10 दिन का कोर्स नहीं है, अभी 20 दिन का ही रहेगा। जैसे मैं बताया था आपको कि अभी आने वाले बैचेस में सिर्फ ओनली 20 डेज का ही रहेगा। तो 20 डेज में क्या है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर MMC तीनों उसमें हम लोग कराते हैं उसमें। बाकी आप पहले जब काम कर रहे थे, अरे भी यहाँ आने के बाद में कितना चेंजेस आया, डबल डेकर भी बनाए आप, डे वन ही बनाए थे, फर्स्ट डे डबल डेकर बनाए। बहुत प्रॉब्लम होता था पहले, जो प्रॉब्लम में था वही प्रॉब्लम में रह जाते थे। यहाँ पे आए फर्स्ट डे में ही डन किए, सागर सर के साथ से पूरा डन हुआ। कैसा सीखा है यहाँ पे सर, कैसा प्रैक्टिकल में कैसा बताया? प्रैक्टिकल, थ्योरी, MMC चेंज, सब कुछ एकदम मस्त, एकदम बढ़िया। कहाँ से आप वैसे? कोलकाता से। कोलकाता से कितने साल से काम कर रहे हैं? साल नहीं, एक साल होने वाला है नवंबर में। अच्छा, अभी एक साल होना, मतलब फ्रेशर ही है आप हमारे हिसाब से तो। अच्छा, फिर भी अभी कितना काम कर ले रहे हैं आप, क्या क्या कर लेते हैं अभी? डबल डेकर कर लेते, पेस्टेड कर लेते, नॉन पेस्टेड कर लेते, ब्लैक पेस्टेड वगैरह, ब्लैक पेस्टेड वगैरह सब। पेस्टेड में कोई भी व्हाइट हो या ब्लैक हो, सब नॉर्मल हो जाता है यहाँ पे आने के लिए। सर के पास आएंगे तो सब नॉर्मल ही पेस्टेड जैसा हो जाता है। अच्छा, एक और चीज बताऊंगा, नाम तो नहीं पूछ रहा हूँ मैं, आप पहले कहीं इंस्टीट्यूट में सीखे थे इससे पहले भी? मैंने सीखा था वहाँ पे, डबल डेकर नहीं बताया गया था वहाँ पे, सिर्फ बोला गया था बताएंगे लास्ट डे बोले तो बताएंगे, बट ना मिला ना बताया गया। तो यहाँ पे जो सेट रिपेयर करे वो लाइव रिपेयर करे कि पहले से ले लेके आपके पास से चेक कर लिए? नहीं, लाइव हमारे इंस्टीट्यूट के तो कुछ नहीं थे। नहीं, ये हमारा, हम लेकर आए थे जो भी सेट बने आप लोगों के ही बने, जो भी हम लोग के ही बने यहाँ पे। और फर्स्ट डे लेकर आए तो सर जो ट्रिक दिखाए वही ट्रिक से लाइव रिपेयर किए सर के चेयर में। ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ पे सर अपने चेयर में बैठा कर करवाते हैं, यहाँ पे सर खुद अपने चेयर में बैठा कर बोले करो सर ट्रिक। लेट नाइट हुआ तो भी आपसे कराए, डन कराए फर्स्ट डे में, फर्स्ट डे डन करे डबल लेकर आप डबल डे। वाह, एक बार इनके लिए जोरदार क्लास। थैंक यू अभिषेक, कॉन्ग्रेचुलेशन। नयन विश्वास के लिए जोरदार क्लास। मेरे हाथ पसीना हो गए। नयन बताओ, क्या बोलना चाहेंगे, कोई आना चाह रहे हैं, दूसरे लोग सीखना चाह रहे हैं, आपके जैसे बच्चे बहुत सारे हैं जो इंस्टीट्यूट घूम रहे हैं, क्या बोलना चाहेंगे उन्हें? अगर कोई आना चाहता है तो मैं तो बोलूँगा 100% आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो एकदम फ्रेशर ही था, दो साल से काम कर रहा था, पर इधर आने के बाद मेरे को महसूस हुआ कि मैं एकदम फ्रेशर था। मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा मैं 30% काम कर सकते थे, इधर आने के बाद 95% काम कर लेंगे। 100% कोई भी नहीं बोल सकते। सही बात, मेरे हिसाब से 95% काम उठा सकता हूँ, मेरा इतना नॉलेज इधर से मिल गया है मेरे को। मुर्शिदाबाद से भी कोई आना चाहिए तो भेजेगा, आ सके। आप मुर्शिदाबाद बंगाल से है? वेस्ट बंगाल, मुर्शिदाबाद से। वेस्ट बंगाल से तो 90% बोल रहे हैं, इतना कॉन्फिडेंट आया इनके अंदर कि पहले 30% से 90% तक पहुंचे। 100% तो वाकई में कोई कर नहीं सकता, बोलने के लिए बोल भी लेंगे। ठीक है, तो अभी जो पहले काम करते थे अभी कितना फर्क आ गया उसमें, जो कोर्स अभी सीखे आप? आकाश जमीन का फर्क है, जमीन आकाश का। कैसा सिखाया पहले? सबसे पहले मैं शुरू करूंगा सुबह में थ्योरी की क्लास, थ्योरी में कैसा पढ़ा रहे? थ्योरी में जैसे कि बोर्नियो में हार्डवेयर सॉल्यूशन के बिना स्कीमेटिक में कोई नॉलेज नहीं था, अब स्कीमेटिक घुल गया है मेरा अंदर, कुछ भी हो स्कीमेटिक से कर सकते, लाइन फॉल्ट फाइंडिंग कर सकते। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ सेट्स लाए थे, रिपेयर हुए आपके? हाँ, बस से सेट ले कर आए थे, मैंने खुद ही रिपेयर किया, इधर से नॉलेज लेने के बाद मैंने खुद ही बैठ कर रिपेयर किया। चलिए, थ्योरी का तो आप बोल दिए कि कहीं से भी फॉल्ट फाइंडिंग कर लूंगा। नेक्स्ट आते हैं प्रैक्टिकल में, तो सागर सर का कैसा लगा सिखाने का तरीका, चाहे ब्लैक पेस्ट हो, डबल डेकर हो, कैसा बताए? सागर सर ने तो फर्स्ट डे ऐसा एक टेक्निक दिया है, ब्लैक पेस्टेड हो, ड्यूअल डेकर हो, कोई भी आईसी हो, दिक्कत नहीं होता है। ऐसे स्मूथली एक टेक्निक है जिसमें कोई भी आईसी बेझिझक उठा सकते हैं, ड्यूअल डेकर हो या ब्लैक पेस्टेड हो, हार्ड पेस्टेड हो, कोई भी, कोई दिक्कत नहीं है। पहले सोचते थे अगर एक CPU उठाएंगे तो सेट डेड हो सकता है, ऐसे सोचते थे, पर सागर सर के स्ट्रिक्ट
जो सागर सर ने बोला इसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं होता है बेझिझक। तो प्रैक्टिकल में सर खाली बैठ रहे रह रहे थे कि आपको आके बता रहे थे, हर चीज देख रहे थे, हर चीज देखते थे, अगर कोई दिक्कत होते तो सर सपोर्ट करते थे। सर सर के सर ने बहुत अच्छे से सपोर्ट दिया है और कुछ नहीं। सॉफ्टवेयर का भी क्लास चल रहा था आपका, अभी एमएम से सॉफ्टवेयर कैसा पढ़ा रहे हैं? सॉफ्टवेयर प्रैक्टिकल को सेट बना के बता रहे हैं कि खाली वीडियो प्ले कर दे रहे हैं? हर एक दिन सर प्रैक्टिकल करके दिखाता है, पहले बोलता है उसके बारे में अच्छे से पढ़ाता है, उसके बाद नोट सर इधर प्रैक्टिकल लाइव करके दिखाता है हम लोगों को। वो इंस्टीट्यूट का भी सेट नहीं होता, हम जो स्टूडेंट रहते हैं इधर उन चाहे हार्डवेयर में हो चाहे सॉफ्टवेयर या एमएम से सब आप लोगों के ही सेट बनते हैं। अच्छा ठीक है, तो अभी कॉन्फिडेंट तो आ गया काम करने का आपके अंदर। एक बार इनके लिए जोरदार क्लास, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मयूर प्रमोद के लिए जोरदार क्लैप्स, मैथिली बॉय के लिए। अरे लीजिए अजय भाई, मैथिल भाई हमारे क्या बोलना चाहेंगे आपसे? पहले आपके ऐसे बच्चे मेरे को त्रिमूर्ति मिल गई, समझो ब्रह्मा विष्णु महेश जो बोलते कंप्लीटेंस जो है वो तीनों से आ चुका है, सॉफ्टवेयर फॉल्ट फाइंडिंग और बोर्नियो और क्या बोलते हो थ्योरी, अपना थ्योरी जो हो गया हैंड स्किल हो गया। सागर सर का तो कोई जवाब ही नहीं है हैंड स्किल के लिए, और फिरोज सर बहुत बढ़िया बोर्नियो उन्होंने पढ़ाया हम लोग को। तो फॉल्ट फाइंडिंग के लिए मैं सबसे पहले यहाँ आया था तो देख रहा था कि भाई ब्लैक लिस्टेड बनेगा नहीं बनेगा, डर रहा था मैं यहाँ आया, लेकिन मुझे पता चला कि भाई डबल डेकर ही सब कुछ नहीं है, डबल डेकर नहीं है सब कुछ, फॉल्ट फाइंडिंग एक छोटा सा समझो कैपेसिटर भी मिसिंग हो गया तो फोन अपना डेड हो सकता है। तो सर की वजह से नॉलेज बहुत सा बढ़ गया है, मैं 70% 80% अभी काम में कर सकता हूँ कॉन्फिडेंट। तोफिक सर का स्पेशली थैंक्स जो बॉक्स के बारे में नॉलेज दिया, UFI बॉक्स, और फिरोज सर ने भी मतलब स्केमेटिक के बारे में एक एक लाइन कहाँ तक जाती है क्या नहीं वो बताया, और सागर सर ने ब्लैक पेस्टेड इजी ट्रिक बताया, डबल डेकर बताया, तो घर जाके मैं इजीली कर पाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाकी आप यहाँ पे कैसे आए? यहाँ कैसे आया फोन? यहाँ से दोस्त था मेरा विवेक बोल के, उसके साथ कांटेक्ट था, तो मैं मतलब ढूंढ रहा था इंस्टीट्यूट अच्छा मतलब कौन सा, दो जगह मैंने नहीं क्या किया था सीट बुक किया था, लेकिन आपके साथ कांटेक्ट हुआ, आप बोले मयूर जो आज बोले सीधा यहाँ पे, तो मैं डर रहा था कि भाई जाऊँ मत जाऊँ, फिर यहाँ पे आ गया मैं तो जो सोच के आए थे मिला आपको? हाँ सर, सोच से भी मतलब ज्यादा मिला। मैं तनवीर भाई से मिला तो तनवीर भाई बोले दो दिन में हो जाए ब्लैक पेस्टेड बोले, मैं बोला पॉसिबल ही नहीं है, तो मैंने एक दिन में खुद अपने हाथ से खोल के बनाए। आपका ही सेट था लेके आए थे साथ में? डबल डेकर तो मेरे पास नहीं था इसलिए सब बनाया नहीं। बाकी क्लास में कितने लोग बना लिए? हाँ बाकी सब लोगों ने बनाए जो जो लेके आए थे। हाँ सर। अच्छा ठीक है, अभी सेटिस्फाई है आप? हाँ सर। जाके काम कर सकते हैं अच्छे से? हाँ सर। ठीक है भाई, इनके लिए भी जोरदार क्लास एक बार, कुछ बोलना चाह रहे? महाराष्ट्र से हूँ मैं, कि कोई भी बंदा आना चाहते तो यहाँ पे नहीं बेझिझक आ सकता है। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, कांग्रेचुलेशन। अरे नहीं बिल्कुल। विवेक कुमार के लिए जोरदार क्लास, पंजाब। बैठो विवेक, पंजाब से आप क्या बोलना चाहेंगे कोई अगर आना चाह रहे हैं यहाँ पे? जो भी कोई भी सर आना चाहता है वो बिल्कुल बेझिझक आ सकता है, उसको कोई कहीं और सर्च करने की जरूरत ही नहीं है, कहीं और इंस्टीट्यूट जाना है कैसा नहीं है, यहीं पर आ जाए सीधा, फोन
फोन फिक्स हैदराबाद सर्च करना है, कॉन्टैक्ट नंबर सर का यूट्यूब पे मिल जाएगा बिल्कुल इजीली, कॉन्टैक्ट करें अपनी सीट बुक कराए और बिल्कुल इजीली आ सकता है। देखो आप पंजाब से इतनी दूर आए, आप ऑलरेडी काफी सारे इंस्टीट्यूट भी गए जी सर, तो यहाँ पे क्या अलग दिखा आपको, जो सोच के आए थे देखो जेन्युइन बताना, जो सोच के आए थे मिला कि नहीं मिला आपको, आप तो डबल डेकर भी बना लिए। हाँ जी सर। हाँ क्या बोलना चाहेंगे? मेरे को नहीं लगता सर मेरे से कभी बनेगा, इतना इजी भी हो सकता है, लेकिन इतना इजी ट्रिक सर ने बताया कि हो गया वो बिल्कुल नॉर्मली नॉर्मली हो गया। अभी डबल डेकर के तो सर जाके बना लेते। हाँ जी सर। अभी डबल डेकर की तो बात वो तो चलो ठीक है, अभी फॉल्ट फाइंडिंग की बात बताओ। फॉल्ट फाइंडिंग में सर काफी जगह दिक्कत आती थी जो की डायग्राम की नॉलेज नहीं थी, आपने सर बताया वो बहुत ही इजी ट्रिक में समझा दिए, जो कि नॉर्मल फॉल्ट फाइंडिंग अब इजी लगती है। कुछ मोबाइल लाइव रिपेयर करे क्लास में आपके सर? सबने सर मुझे बताया भी, सामने करके भी दिखाया। कितने सेट हुए होंगे आपके क्लास में पूरा जो बैच में? सर पूरे बैच में तो मुझे लगता है 20-30 सेट तो हो गए होंगे। सारे हमारा तो कुछ नहीं था सर, आपने तो कोई भी एक भी फोन शूट का तो नहीं था ना? सारे आप लोग सेट नहीं है, सारे सेट लगभग सब स्टूडेंट के ही है, और सर बकायदा अच्छे से बताते हैं जैसे कोई भी फॉल्ट हो उसको ट्रेस कैसे करना है, इजी मेथड। अच्छा सुबह में 10-10:30 बजे आ रहे थे आप लोग, रात में जल्दी जल्दी जाओ 8 बजे से भिजा तो नहीं दे रहे थे? सर ऐसा कुछ नहीं, 11 बजे की क्लास चली अभी सर हमारी, 11 बजे तक कल क्लास चली है, और सागर सर ने दोबारा से अगर कोई डाउट है तो वो भी पूछे तो वो भी क्लियर कराया, फिर एक बार दोबारा से बना के अगर किसी को अगर कोई डाउट है तो वो भी क्लियर करा दिए सर। कोई बताने में तो कंजूसी नहीं करे यहाँ पे, कोई चीज छुपा ले रहे बता रहे नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है बताने में। बाकी जो लेवल का नॉलेज मिला आपको कैसा मिला नॉलेज? बहुत अच्छा नॉलेज मिला सर, जितना चाहिए था उससे ज्यादा ही है। सॉफ्टवेयर का तो आप पहले से काम करते थे, बाकी टॉपिक सर ने जो बताया वो काफी नई चीजें बताई सर। अच्छा जो नहीं बताता कोई जल्दी, ठीक है अभी कॉन्फिडेंट तो आ गया ना काम करने सर, का अभी तो काफी आ गया सर को। देखो लाइफ टाइम सपोर्ट रहता है, अभी जो काम सीखे अपन उसके ऊपर जाके और प्रैक्टिस करना है, मेहनत करके आगे बढ़ना है बिल्कुल। कोई डायरेक्ट सलूशन है क्या कोई बताओ? नहीं सर, इतने सेक्शन आप देख रहे हैं लाइव ट्रेसिंग कर रहे हैं, एक छोटे से कंपोनेंट मिसिंग होने के बाद भी सर उसके नहीं काम कर सकता, डायरेक्ट सलूशन में कुछ नहीं है सर, आधा अधूरा ज्ञान है वो तो, जो बोने में हार्डवेयर सलूशन है वो आधा है, आधा अधूरा है, वो लोग जितना डाल रहे उतना ही है, बाकी तो अपने को सीखना है, बाकी तो सर खुद ही मेहनत करके बनानी पड़ेगी ना, जो कुछ मॉडल के नहीं है उसमें उसको फिर कैसे बनाएंगे अगर नहीं नॉलेज है। ठीक है थैंक यू वेरी मच विवेक, एक बार इनके लिए क्लैप्स कर दीजिए, थैंक यू कांग्रेचुलेशंस। सूर्याकांत कर के लिए जोरदार क्लैप्स, कांग्रेचुलेशंस। देखो जो बोलना है दिल से बोलो, फिर दोबारा तो मैं पूछता नहीं आपसे, मैं क्यों पूछ रहा हूँ ये क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आप जो बोले आपकी बात समझते बोलो, कि आपके जैसे ही है बहुत सारे बच्चे जो बैठ के हैं और अभी जैसे 3-3-4-4 इंस्टीट्यूट चले जा रहे हैं, एक जगह पे भी काम सीख के कर सकते हैं, लेकिन क्या हो रहा सही चीज नहीं मिलने की वजह से इधर उधर घूम रहे, तो क्या बोलना चाहेंगे आपका एक्सपीरियंस बताओ? सर देखो मैं बहुत 8-9 साल से काम कर रहा था, लेकिन पहले वीडियो यूट्यूब वीडियो देखते थे, बहुत इंस्टीट्यूट का वीडियो देखा, लेकिन फोनपीस एजुएटी का वो जो कहीं से किसी से इन्फॉर्मेशन नहीं लिया मैं यहाँ पे आने का, तक मालूम है क्या? देखो आप जब बात करते हो ना यूट्यूब वीडियो पे, किसी आदमी को देख के पहचान होता है ना ये आदमी कैसा है, बिहेवियर कैसा है। सागर सर का भी वीडियो देखा, तौफिक सर का भी वीडियो देखा, इसलिए मैं इधर आ गया, इधर आके देखा बहुत अच्छा है, इधर का कोई भी आ सकता है इधर, जो वीडियो में देखे थे वैसे था, कुछ अलग है? अलग है सर, कुछ फेक तो नहीं बताते यहाँ पे? नहीं सर, फेक वीडियो बना दे रहे, फेक बात बोल दे रहे, आपको बोलने लगा दे रहे, ऐसा तो नहीं? नहीं सर। तो आप इतने 10 साल से काम कर रहे थे, क्या जरूरत पड़ी अपडेट होने की? जो मोबाइल मेरे से बनती नहीं थी वो दूसरा शॉप वाले बनाते थे, बोनियों के बारे में स्कीमेटिक के बारे में कोई नॉलेज नहीं था, ब्लैक पेस्टेड व्हाइट पेस्टेड कैसे निकलते वो तो सागर सर ने बहुत अच्छे से एक दिन में समझा दिया, तौफिक सर ने जो सॉफ्टवेयर करते थे कुछ दिन चीज़ों ने उसको पता नहीं था मेरे को, वो टैप के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था, तौफिक सर ने वो अच्छे से नॉलेज एक टैप के बारे में बताया, क्या आपने स्कीमेटिक के बारे में एक एक लाइन के बारे में समझाया हम लोगों को, कैसे उस फोन को ड्राइंग करते हैं, उस डाटा शीट आईसी का डाटा शीट कैसे बनाते हैं, आईसी को कैसे इनपुट आउटपुट सप्लाई पसंद आउटपुट सप्लाई आते हैं कैसे समझे, तो दो सोच के आए थे मिला आपको? बहुत कुछ मिला सर, बहुत कुछ मिला। कुछ सेट्स लाए थे बनाए रिपेयर करे किए थे सागर सर हेल्प से?
अच्छा, तो हमें सपोर्ट किया हम, अभी जाके काम कर लेंगे ना। हाँ, कॉन्फिडेंट तो अभी आ गया। बाकी कोई आना चाहे आपके, कहाँ, बंगाल से आप? वेस्ट बंगाल से। बंगाल वालों को बताइए क्या बोलना चाहेंगे। कोई भी आना चाहे तो इधर बेझिझक आ सकते हैं, बहुत अच्छा है इधर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच भाई, इनके लिए भी एक बार थैंक यू, कंग्रेचुलेशन। आइए मोहम्मद बिलाल साहब, मिस्टर बिलाल, जोरदार क्लैप भाई इनके लिए। बिलाल भाई बताइए क्या बोलना चाहेंगे, कोई अगर आके यहाँ सीखना चाह रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इंस्टीट्यूट तो बहुत अच्छा है, जितना सोचे थे उससे ज़्यादा सीखने को मिला। और भी जैसे कि जो काम में झिझकते थे वो काम बेझिझक करने की एक ये आ गई, कॉन्फिडेंस आ गया अपने में, अभी डर निकल गया अंदर से। कितने साल से काम कर रहे थे? मैं अभी वैसे तो बहुत से फील्ड चेंज कर चुका था, अभी 3 साल से तो कर रहा था, पर सीपीयू उठाता था तो सक्सेस नहीं होता था, और या फिर समझ में नहीं आता था, या फिर वो ट्रिक्स जो मुझे अभी आगे 4-5 साल लग जाते सीखने में, वो क्या है, एक कोर्स की वजह से, आपके जैसे कोर्स है उसमें बहुत आसानी से मुझे मिले। मतलब जो काम वापस जा रहा था, जो बिजनेस वापस जा रहा था, अभी खुद कर लेंगे। कर लेंगे। क्यों सीखना जरूरी लगा? क्योंकि काम वापस जा रहा है, वापस ऐसे अगर आप सीखे नहीं, अगर वहीं बैठ के काम करते तो बहुत टाइम लग जाता था। अभी जो सीखे, अगर ये 2-3 साल पहले अगर सीखते तो ये बहुत फायदा हो जाता, बहुत फायदा हो जाता। अभी उसी को मद्देनजर रखते हुए क्या मैं अभी जल्दी, अभी देर नहीं बोल के ज्वाइन कर लिया। सही बात है, जब जागे जब ही सवेरा बोलते हैं। ठीक है, तो अभी आप लाइन ट्रेसिंग, फॉल्ट फाइंडिंग, सर्किट डायग्राम समझ में आता है? आप समझ में आता है, सारा समझ गए आप। अभी कुछ सेट्स लाए थे रिपेयर करे? हाँ सर, कितने बना लिए? एक ये भी सेट है आपका ही था ना, नेटवर्क का? हाँ सर। आप साथ में लाए थे? हाँ सर, साथ में लाए। K20 Pro? K20। क्या प्रॉब्लम था, थोड़ा सा बताओ इसमें। ये नेटवर्क का प्रॉब्लम था, पहले हम लोगों ने ट्रेस किया, फिर जाके क्या सर क्या क्या काम कर दिए थे पहले वो बताओ। पहले इसका 2GPA चेंज किया था और 4GPA, फिर बाद में DDA, ये WTR चेंज किया, APT पावर इतना सब चेंज करने पर इसमें तो SDR 8150 लग के है, 50 था वो भी निकाल दिए थे, वो भी निकाल दिए थे। अपन जब चेक करे तो क्लॉक में क्या वैल्यू आ रहा था आपको? क्लॉक में ये GR आ रहा एक में, कितना कितना दोनों डिफरेंस? 720 कुछ आ रहा था, और एक में क्या है 250-450 तक आ। फिर एपीडी पावर आप वो करें, एपीडी पावर रिवॉल्व किए तो जब जाकर बैलेंस हुआ। फिर लाइव क्लास में सर आपको रिपेयर करें? हाँ सर। क्या प्रॉब्लम निकला लास्ट में इसमें? लास्ट में एक रजिस्टर था जो कि 0 ओम्स का था। थोड़ा इधर भी घुमाओ भाई, देखो लाइव बनाए कि नहीं बनाए सेट, लाइव बनाए ना ये। एक रजिस्टर की वजह से फोन क्या हो गया था हमारा, नेटवर्क इश्यू आ गया था। हाँ, फिर एक छोटा रजिस्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सेक्शन के बारे में नहीं सीखे थे तो सब कुछ चेंज करना पड़ता था, जंपर मार के देखते थे हम। हाँ, अब जब क्लास करिए तो हाथ चला। रेडियो ऑफ का प्रॉब्लम आ गया था ना इसमें, तो स्टेप बाय स्टेप देखें, पूरा डायग्राम बना के अपन सीखे। ठीक है, तो कोई आना चाहे आपके सिटी से क्या बोलना चाहेंगे? आ सकते हैं सर, बहुत अच्छी इंस्टीट्यूट है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जितना एक्सपीरियंस हम आगे, बहुत टाइम लगता है उतना क्या कम टाइम में यहाँ पे वो जो ट्रिक है उससे बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा। कहाँ से आप बस? कर्नाटक से। कर्नाटक से, ठीक है भाई, इनके लिए 2000 क्लास। थैंक यू वेरी मच। आजा भाई अमीरुल इस्लाम बांग्लादेश से, 2000 क्लास इनके लिए। कांग्रेचुलेशंस। ये भाई साहब हमारे बांग्लादेश से आए, काफी दूर से, दूसरे कंट्री से है। लोग अपने घर से निकलने सोचते 10 किलोमीटर है या 100 किलोमीटर दूर है तो भी सोचते कि पास में इंस्टीट्यूट ढूंढते। ये भाई साहब दूसरे कंट्री से इतनी दूर आ गए, मतलब काम सीखने के लिए, मतलब क्योंकि काम अगर वापस जा रहा है तो फिर वहां बैठ के फायदा नहीं है। महंगे महंगे टूल्स ले लेंगे आप, ठीक है, महंगे SMD ले लेंगे, महंगा माइक्रोस्कोप ले लिए, कस्टमर का काम भी आता है, ये मोबाइल का काम ऐसा है, काम की कमी नहीं है, करने वालों की कमी है इसमें, नॉलेज की कमी है। तो यही एक कारण है कि इतनी दूर से इंडिया आ गए। भाई आप इंडिया में इतने सारे इंस्टीट्यूट है, क्या बोलना चाहेंगे, क्यों फोन फिक्स आए आप ये बताइए? इंडिया में तो नहीं, बांग्लादेश में बहुत इंस्टीट्यूट है। अच्छा, तो सब मैं सबको वीडियो देखा, लेकिन फोन फिक्स हैदराबाद को मेरा वीडियो अच्छा
लगा इसलिए इधर चला आया। मैं कहाँ जा रहा हूँ इतना फेक नहीं है, मैं किस चीज के लिए आ रहा हूँ ये फेक है। मैं सीखने के लिए आया हूँ, मैं इधर 100% नॉलेज लिया। मैं तो जब इधर आया मेरे को जीरो नॉलेज था, अब तो मैं 90% नॉलेज लेकर जा रहा हूँ इधर से, तो आगे जाकर मेरे को अच्छा ही होगा। अभी किसी दूसरे इंस्टीट्यूट में तो नहीं दिखेंगे? नहीं दूसरा जाने की जरूरत तो नहीं है ना? जरूरत नहीं है, हमारा सपोर्ट रहता आपको। और इतनी दूर आए आप 10 दिन का कोर्स में आए आप, इसमें हम आपका टाइम पास तो नहीं कराए बिठा के? नहीं नहीं, घूमने लेके चले गए, खाना खिलाने लेके चले गए, छोड़ के चले जा रहे? टाइम नहीं पता, सोने की भी टाइम नहीं पता, सोने की भी नहीं दे रहे थे, रात में भी तंग कर रहे थे, डायग्राम बनाओ बोल के? नहीं ये तो सीखने के लिए है। हाँ, तो कोई आना चाह रहे हैं तो क्या बोलना चाहेंगे, बांग्लादेश से या कहीं और से, दूसरे कंट्री से, इंडिया, मतलब इंडिया के अलावा? एक कथा है, आस्ते पर है, कोई संदेह नहीं। थोड़ा हिंदी में बोल दो। हिंदी में तो बोलने से दिक्कत होती है। अच्छा अच्छा, ठीक है, वही लैंग्वेज में बोल दो आपके। बांग्लादेश में যে জন্য এসেছি এখানে আমি 100% পেয়েছি এবং অনেক ভালো। আমি যেটা বিশ্বাস করি যে এখানে 100% পাবো সব কিছু, তার জন্য এসেছি এখানে এবং পেয়েছি। बांग्लादेश से यहाँ तक आना कैसा, थोड़ा वो भी बता दो, बहुत सारे लोग पूछते हैं आने के लिए। बांग्लादेश से पहले पासपोर्ट करना पड़ेगा, पासपोर्ट लगे, तारपरे इंडियन वीसा लगे, इंडियन वीसार परे ट्रेन से आए अथवा ट्रेन से बस से अथवा प्लेन से आए कोलकाता, कोलकाता से हैदराबाद। अच्छा। हैदराबाद से इंस्टीट्यूट। ठीक है, अभी तो कॉन्फिडेंट बढ़ गया आपका काम करने का। 100% सारा क्या क्या काम करे थोड़ा सा बताओ यहाँ पे। अभी तो इखान तक भी सीट आनते पारे नहीं, एक्टर सीटी एनी सी डबल डेकर, डबल डेकर भी बना दिया आप तो? हां, डे 2 में ही डबल डेकर बना दिया। ब्लैक पेशेंट वगैरह इजी खोल ले रहे हैं? हां, एकदम इजीली एकदम खोल ले रहे हैं। ठीक है भाई, इनके लिए जोरदार क्लैप, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अमीरुल इस्लाम, कांग्रेचुलेशंस। ठीक है भाई, अभी यही है जो सीखे उसमें क्या करना है, उसको कंटिन्यूअसली रखना है। ठीक है, एक बार ऐसा आ जाओ, एक फोटो ले लेते सब लोग बैच कौन उसका, ऑलरेडी दे दिया उसको, फोटो तो ले लो था बेचारा, उसको बुलाया है ने? नहीं ले लिया उन्हें ऑलरेडी, बुलाया भी नहीं। ऐसा थोड़ा ऐसा आ जाओ ना एक बार, अपन ऐसा आ जाओ सागर भाई, वही तो यार आ जाओ सर, अभी याद कर लिए वही बहुत है, पूछे ना बोले नहीं नहीं फोटो लिया। हाँ।